तो ये क्या मामला है इसके बारे में बताइए। सर ये जो गाड़ी वाला था मारुति वाला, इसने लोगों को पहले मार रखा था, एक गरीब बंदे के उसने टांगे तोड़ रखी थी ऑलरेडी, उसके ना लोग मार रहे थे उसको, बाहर निकल तो उन्होंने लोगों को मारा हुआ है। वहाँ से बचाते बचाते इसने गाड़ी इधर से बैक किया, उसको भागने जगह नहीं, वजह तो चौंक की तरफ भागने की कोशिश करी। हमारी गाड़ी सर वहाँ खड़ी हुई थी, खड़ी खड़ी गाड़ी में कुरियर करता हुआ मारता हुआ गया, यहाँ के पहले इसको मारने को जिसके पोल में लगने थे वहाँ पे एक बंदे को मारता मारते बचा, फिर एक गाड़ी यहाँ खड़ी थी, एक गाड़ी के अंदर पूरा मारा, उसको बैकर द्वारा मारता है। तो सुने हमने किसी की हड्डी भी टूटी है? हाँ जी, हड्डी टूटी थी, जिसमें पहले सबसे पहले जिसको मारा था वो एक नींबू पानी वाला था मेरे घर से, उसकी दोनों टांगे तोड़ दी उसने, मतलब पूरा साफ पता लग रहा, तो दूसरे उठा के लेके गए हम अभी हॉस्पिटल लेके गए, और दिख रहा उसको मार के वहाँ से बचते हुए क्योंकि लोग मारेंगे पीटेंगे, उसको बचाने के लिए उसको भागने की कोशिश कर रहा था, और हमारी गाड़ी पूरी मारता रह गया वो सारी गाड़ी, बस यही था कारण। तो क्या क्या दारू पी रखी थी उन्होंने? डेफिनेटली दारू पी रखी थी मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना होश में तो बंदा कर नहीं सकता है ऐसा कुछ कि मतलब कि दो गाड़ियों को मार दे, एक बंदे की टांग तोड़ दे, उसका पूरा ठेला तोड़ दे और भागने की कोशिश करे, ऐसा तो। और वहाँ जब उसे पूछ रहे थे कि तुझको कहता, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो घर से आ रहा था, मतलब आराम से ऐसे बातें कर रहा है, और एडवोकेट है कहने को राजेश कुमार, यही सफर बाजार गया करनाल गई।